तो मैंने कहा था कि अगर हम रूट एक्स को साइन थीटा ले लेंगे। बेटा बैठ जाओ आदर्श, कर लो कोई बात नहीं। अगर हम रूट एक्स को साइन थीटा ले लेंगे तो एक्स क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और डीएक्स क्या बन जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा। तो डीएक्स की जगह वो पुट करो और रूट एक्स की जगह साइन थीटा पुट करो और फिर देखो क्या निकलता है। क्या मेरा सॉर्ट आउट हो रहा है? सोचना पड़ेगा हर चीज, इंटीग्रेशन में पकी पकाई खिचड़ी नहीं मिलेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। करके देखते हैं, रूट एक्स को मैंने साइन थीटा ले लिया और एक्स को मैंने ले लिया, अगर रूट एक्स साइन थीटा है तो एक्स क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। तो डीएक्स क्या हो गया? 2 आगे आ गया, साइन थीटा की पावर रिड्यूस हो गई और साइन थीटा का डिफरेंसिएशन कॉस थीटा डी थीटा। ये मैंने लेट किया, अब मुझे चाहिए इसका इंटीग्रेशन। सो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या होगा? 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। और 1 प्लस रूट एक्स की जगह आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी, ये तो आ गया सारा रूट में। इंटू आ रहे डीएक्स विच इज 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। नाउ व्हाट? अब आगे क्या करोगे? कोई भी एनीवन बोलना चाहता है मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर मैं तो करा ही रही हूं। एक मेथड है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा, जहां पे वहां पे 1 प्लस साइन 2 x आ रहा था, मैंने उसको स्प्लिट करा था और वो एक फॉर्मूला बना था, एक वो मेथड है, लेकिन उससे मेरी बात बनेगी नहीं, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। और वो क्या हो सकता है? चलो मुझे ही कराना है, कोई बात नहीं। मुझे बेसिकली रूट हटाने हैं, तो रूट हटाने हैं पहले तो इसको किस स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। पहली चीज वो वाली जो हमने 1 की जगह पुट करा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो पुट कर दो। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, थीटा बाय 2 आएगा, तभी ये 2 sin थीटा। देखो फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? और मेरा होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा होता है। अब देख रहे हो यहाँ पे एंगल आधा हो रहा है, तो मेरे को आधा एंगल ही चाहिए, तभी मेरा वो स्क्वायर 1 बनेगा। और यहाँ पे भी मेरा हाफ एंगल हो जाएगा ना, बिकॉज दिस इज साइन थीटा, तो -2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। सेम नीचे डिवाइड में लेके जाओगे तो वो भी वही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है, ये सारा मेरा रूट में है, दिस होल इज इन रूट। क्या हुआ बेटा, पूछ लो, कुछ पूछना है तो। मेरे को तुम ऑडिबल नहीं हो, जस्ट अ सेकेंड। बोल अब बोलना आदर्श। लो।
हाँ हाँ ये पता लग रहा है तुम कुछ बता बोल रहे हो, बट ये नहीं पता लग रही रहा कि क्या बोल रहे हो। मल्टीप्लाई के अंदर हाँ बेटा बोलो। सकते। वन हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, कर सकते हो आप। वन माइनस साइन थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे रूट हट जाएगा, वो भी एक तरीका है, दैट इज ऑल्सो वन वे। एक ये भी तरीका है, जैसे मर्जी करो, आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होना चाहिए। देर आर मेनी वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके थे, इसको सॉल्व करने के भी कई सारे तरीके हैं, कर लोगे वो वाले तरीके से भी कर सकते हो तुम। ये वाला तरीका भी बता देती हूँ, वो भी बता दूंगी, पहले इससे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। सारे वही वाले मेथड से कर रहे हो क्या, रूट हटा रहे हो? तो चलो फिर वही वाला करते हैं, जब वही कर रहे हो तो लेट्स डू दैट वेज ओनली। वन माइनस साइन थीटा, यहां तक आ गया था मेरा, वन प्लस साइन थीटा का रूट में, ठीक है। और मेरे पास आ रहा है टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना। तो मैंने रूट में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वन प्लस वन माइनस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा से। तो जब मैंने ये करा तो आई हैव ये वाला स्क्वायर, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो जब मैंने इसका स्क्वायर करा, ऊपर वाला का रूट हट गया और नीचे बना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया वन माइनस, पूरा ही ले लेते हैं होल, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके रूट्स हैं, रूट हट जाएंगे, इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा गॉन, तो अब क्या बना? अभी भी शायद कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या हो जाएगा, अब बहुत इजीली हो जाएगा। टू साइन थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया इंटीग्रेशन। अब तो हो जाएगा, आप कर लोगे। साइन स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर लो, टू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस, माइनस का कॉस थीटा, ये तो सॉल्व हो गया। और दूसरे वाले को टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा, वो पुट कर दो, माइनस टू वन माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा, इसका अलग से इंटीग्रेशन होगा। तो ये आ गया माइनस का टू कॉस थीटा माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा आएगा, तो टू थीटा माइनस, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन टू थीटा।
और मेरे पास 2 भी है, डिवाइडेड बाय भी 2 थीटा है। प्लस सी। ठीक है, अब बस जो जो मैंने वैल्यूज ली थी वो पुट कर दो रूट में। उसमें आते हैं। अच्छा इसमें है। मैंने रूट एक्स को साइन थीटा लिया था, मतलब कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कैसे बनेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर माइनस एक्स इसका रूट। सो 1 माइनस रूट एक्स इज कॉस थीटा। अब उसमें पुट कर लो कॉस थीटा को, 2 into √1 - x माइनस 2 थीटा है। थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स रूट एक्स। टू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा है तो मतलब 2 sin θ cos थीटा हो जाएगा। सो 2 into √x into √1 - x प्लस दिस विल बी योर आंसर। कोई डाउट है तो पूछो। उस तरीके से भी हो सकता है, अगर ये वाला कर रहे हो तो मैंने इसीलिए ये वाला करा दिया। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं और तुम्हारा आंसर भी वेरी कर सकता है, लेकिन तुम्हारा इंटीग्रेशन के स्टेप सही होने चाहिए। एक क्वेश्चन ट्राई करो, डी थीटा डिवाइडेड बाय sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। इसका इंटीग्रेशन ट्राई करो। अब 4 पावर में है, इट्स पावर। कैसे करोगे? अब अगेन सबके अलग अलग सजेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक ट्राई कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos 4 थीटा से डिवाइड कर दो, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। साथ साथ ही करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos 4 थीटा से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा secant 4 थीटा डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा विल बी tan 4 थीटा प्लस 1। अब क्या कर सकते हो बेटा? बोलो, सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मेरे को अब सुनाई दे रहा है, तुम बोलोगे इट विल बी ऑडिबल। मैंने हेडफोन्स लगा लिए।
कार्तिक, लक्ष्य, तुमसे चाहिए मुझे आंसर्स। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है लक्ष्य? अच्छा हाँ बेटा, लक्ष्य उधर इधर उधर मत देखो, मेरे को तुम दिख रहे हो। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ कार्तिक, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यस और नो? अब सीकेंट स्क्वायर थीटा को रख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा को ले लो एक्स। हाँ अच्छा बेटा, अच्छा आपस में बात कर रहे हो। क्योंकि डिफरेंशिएशन टैन थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए मैंने टैन थीटा को 4x ले लिया। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बी डी एक्स। तो बस पुट कर दो। वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1, या 1 प्लस x 4 एक ही बात है, इनटू ये पूरा देख रहे हो डीएक्स बन गया, ये पूरा बन गया डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना। अब क्या करेंगे? क्वेश्चंस कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। मेरे को लग रहा है मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज एक्स स्क्वायर से पूरे इसको डिवाइड कर दो। इस पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 ओवर x² प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² प्लस 1 ओवर x² dx, इसका इंटीग्रेशन। अब ये देख रहे हो, ये जो 1 x² प्लस 1 ओवर x², हमने 10th क्लास में हिट एंड ट्रायल कुछ पढ़ा था कि अगर मैं इसमें +2 -2 कर दूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, a² + b² + 2ab वाला। है किसी को याद? है याद किसी को? अरे मोई हिला दो। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसको मैं +2 ना लेके यहाँ पे x - 1/x का होल स्क्वायर +2 ले। सो लेट्स पुट दिस, ये वाला पूरा चलो और ये,
तो अगर ये पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 ओवर x² डिवाइडेड बाय x - 1 ओवर x² +2 dx, ऐसा कुछ आ गया। अब क्या करो, 1 - 1 ओवर x को t ले लो। 1 आई एम सेइंग लेट, सॉरी, x - 1 ओवर x को t ले लो, तो 1 - 1, x की पावर क्या है, -1, तो x की पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी, सो -1 -1, dx इज इक्वल टू dt, सो दिस विल बी 1 माइनस, और -1 भी है तो आपका प्लस का हो जाएगा, 1 ओवर x² dx इज इक्वल टू, वॉइस थोड़ा कट वो आ रहा है, कट वो रहा है सर वॉइस, ग्राफ अब ठीक है, वो हेडफोन्स में भी हिल जा रहा है, अब सही है। बेटा मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 + x² ओवर x² + 1 dx मेरा बना था, इसको मैंने क्या करा, पूरे को x² से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब मैंने डिवाइड करा सो आई गॉट x4 + 1, x4 + 1 को डिवाइड करा तो आई गॉट x² + 1 ओवर x². अब इसको मैं लिख सकती हूँ +2 - 2, अगर ऐड करूं तो इसको मैंने ऐसा कुछ बना दिया कि मेरा एक होल स्क्वायर बन जाए, सो x - 1 ओवर x² होल स्क्वायर + 2 कर दिया, इसी को ही चेंज करके। अब मैंने क्या करा, x - 1 ओवर x को t ले लिया, तो जब मैंने इसको t ले लिया तो मेरा जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना वो पूरा dt बन जाएगा, तो इससे मेरी थोड़ी सी कहानी आसान हो जाएगी। सो दिस विल बी dt डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, x - 1 ओवर x का होल स्क्वायर, ये मैंने वैसे ही t ले लिया था, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय t² + 2, इसको इंटीग्रेट करो, अब क्या होगा, अब एक टैन इनवर्स का फॉर्मूला होता था, 1 ओवर, अगर इंटीग्रेशन करते हैं 1 ओवर किसी वेरिएबल का स्क्वायर प्लस में ए वैल्यू कुछ भी आ रही है तो वो एक टैन इनवर्स का फॉर्मूला बन सकता था, याद आ रहा है किसी को कुछ? इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर x² + a² क्या होता था, 1 ओवर a टेन इनवर्स x ओवर a, यस और नो, 1 ओवर a टेन इनवर्स x ओवर a, तो इसको ऐसे ही लिखना है सेम, 1 ओवर a, यहाँ पे a क्या है, a इज √2, बेसिकली √2 का स्क्वायर है ना, क्योंकि x², सो 1 ओवर √2 टेन इनवर्स एक्स विल बी t/√2 + c। अब t की ठीक जगह जो वैल्यू पुट करी थी वो पुट कर दो, t था मेरा x - 1 ओवर x, सो 1 ओवर √2 टैन इनवर्स x - 1 ओवर x/√2 + c। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। मैं सारी भेज रही हूँ ग्रुप्स पे। ठीक
एक एक क्वेश्चन करो, इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स। ये ट्राई करो। क्या हुआ बेटा, पीछे वाली स्क्रीन करूं? एक ये वाला क्वेश्चन लिख लो और एक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये वाले क्वेश्चंस भी ट्राई करो। ये आई एम शेयरिंग ऑन द ग्रुप एज वेल। ये एज अ होमवर्क कर लेना बाकी क्वेश्चंस। अभी साइन इनवर्स एक्स वाला ट्राई करो। फोर्टीन क्वेश्चंस हैं बेटा, ये ट्राई कर लेना होमवर्क में। अभी साइन इनवर्स एक्स वाला एक क्वेश्चन करो।
लेट्स डू दिस क्वेश्चन। चलो ये बहुत इजीली दिख रहा है। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, 1/√(1 − x²) इज साइन इनवर्स x, बहुत इजीली। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा एक्स को साइन थीटा ले लो और डीएक्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। टेक एक्स एज साइन थीटा, सो डीएक्स विल बी कॉस टी थीटा डी थीटा। सो जब आपने इंटीग्रेट करा तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स क्या बन गया, थीटा बन गया। तो दिस विल बी थीटा इनटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय √(1 − sin²θ) इसका होल इंटीग्रेशन। सो 1 − sin²θ विल बी व्हाट, cos²θ। cos²θ का रूट विल बी ओनली cos θ, और ये भी cos θ है, डी थीटा। इंटीग्रेशन cos θ कैंसिल आउट, सो ये क्या हो जाएगा, θ²/2 + c। और θ² क्या है, थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। सो दिस विल बी साइन इनवर्स x/2 + c। अच्छा नोट डाउन कर लो, इसके बाद एक नेक्स्ट मेथड करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखो, दो कोई भी प्रोडक्ट में है, दो कोई भी फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है मुझे x cos x dx को। तो मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास दो फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज आएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका होल इंटीग्रेशन होगा। तो ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट वाला एज इट इज, एक्स एज इट इज। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन कॉस एक्स इज साइन एक्स। तो यहाँ पे एक्स इंटू साइन एक्स, और मुझे वापस से साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, विच विल बी माइनस कॉस एक्स,
सो इट विल बी प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर। ये इजी क्वेश्चंस आर, लेट्स ट्राई विद, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलते हैं। तो एक लेवल ऊपर चल के ट्राई लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, होगा बाय पार्ट सी, क्योंकि मुझे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लॉग ऑफ एक्स डीएक्स, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, सो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर जब भी हम वाई पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं तो एक रूल होता है, उसको कहते हैं आई लेट। व्हाट इज दैट रूल? आई एल ए टी। आई का मतलब है इनवर्स, एल का मतलब है लॉग, ए का मतलब है एलजेब्रिक, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। अच्छा तो मुझे जो पहला फंक्शन लेना है इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेना है। सो फर्स्ट फंक्शन मेरा, अगर इनवर्स और लॉग में से मेरे को चूज करना है तो पहला मेरा इनवर्स फंक्शन होना चाहिए, ठीक है? और अगर मेरे को एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में से चूज करना है तो पहला मेरा एलजेब्रिक होना चाहिए। क्या हुआ, मेरे से पूछ लो डाउट, लगे पड़े हो आपस में। ये